हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बजे हैं 6:30 और देखिए कैसे अंधेरा हो रहा है। और मम्मी आ चुकी है किचन में नहा धो के। आज मम्मी बना रही है ब्रेड उपमा। तो मम्मी ने यहाँ ले लिए हैं टमाटर, धो लिए हैं, अब उन्हें काट लेंगी। शिमला मिर्च भी मम्मी ने ले ली थी, धो ली थी, और हरी मिर्च भी, तो अब उन्हें काट लेंगी। साथ साथ मम्मी ने काट लिए हैं प्याज। और अब मम्मी ब्रेड उपमा के लिए ले रही है ब्राउन ब्रेड, हेल्दी रहेगा, एकदम अच्छा ब्रेकफास्ट बनेगा इनका। तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं 4 ब्रेड और इन्हें हम अच्छे से स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। मम्मी ने सारा सामान यहाँ तैयार कर रखा है, कड़ी पत्ता वगैरह सब निकाल के रखा हुआ है। अब एक पैन में हमने डाल दिया है ऑयल और फिर उसमें हम सेक लेंगे हमारे ब्रेड अच्छे से, इनको सेकेंगे। हमारे ब्रेड सिक चुके हैं, अब हम एक पैन में डाल देंगे ऑयल और उसमें डाल देंगे हम राई और डाल देंगे हम पीनट्स। पीनट्स को हम पहले अच्छे से भून लेंगे क्योंकि पीनट भूनने में टाइम लगता है, तो पहले भून लिया। उसके बाद हमने डाल दिए हैं कड़ी पत्ता, उसके बाद हमने डाल दिए हैं हरी मिर्च और डाल देंगे प्याज अच्छे से, फिर इनको भी हम भून लेंगे। देखिए कैसे कलर के आ गया इनमें। अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। फिर उसमें डाल देंगे हम टमाटर, देखिए कैसे कलरफुल सा बन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे सारे बेसिक से मसाले, अच्छे से मिला लेंगे उन्हें। हमने यहाँ पे किचन किंग भी ऐड करा है, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ब्रेड, ब्रेड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए कैसे कलर मस्त मस्त बन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और देखिए हमारा ब्रेड उपमा बनकर तैयार है। और साथ में चढ़ा दी थी मम्मी ने चाय भी बन रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी कुछ ठीक हूँ। थोड़ा बहुत जुकाम है अभी, वो भी ठीक हो जाएगा। और सुबह जल्दी उठ गए थे, आज सब्जी तो कुछ बनाई नहीं, लेकिन आज हमने बनाया ब्रेड उपमा। और रेसिपी ट्राई करिएगा, प्लीज़ देखिएगा। और मनीषा ऑफिस चली गई है, खुशी तैयार हो रही है, इसके पापा भी सो रहे हैं और छवि भी सो रही है। उठेगी वो अपना, जब वो उठेगी अपनी साफ़ सफाई कर लेगी। और दोस्तों मैं जा रही हूँ जिम, मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी जिम जाने के लिए, कॉफ़ी भी मैंने पी ली है। मिलती हूँ आपसे बाद में, आप सभी को सुबह की राम राम। अम्मा मम्मी निकल चुकी है टीन आंट के साथ जिम के लिए। अभी लोग पहुंच गए हैं जिम और कर रहे हैं अपना वर्कआउट। उसके बाद उनके चले गए थे पार्क, और पार्क में अंजना आंटी ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। वैसे तो जिम में ही कर लिया था, तो साथ में पार्क भी चले गए। और चलिए दोस्तों ये लाए कुछ सामान। ये है देखिए पनीर, और रस खत्म हो गए थे तो रस भी ले आई, ये तो मैं ही ले आई हूँ आते वक्त जिम से। और ये तरबूज और ये वाले अमरूद, और ये है भुने हुए सिंघाड़े भाड़ में जो भुने होते हैं, और ये है शकरकंदी भुनी हुई। उसके बाद मम्मी घर आ गई थी और मम्मी ने ले लिए ग्रीन टी और गुआवा। और अब मम्मी ने अपने लिए बना लिया है पनीर प्याज वाला पराठा, क्योंकि मैं तो चली गई थी नानी के, तो मम्मी ने सिर्फ अपने लिए बनाया क्योंकि मेरे को खाना नहीं था। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी खाना खा लीजिए। और मैंने बनाए हैं आज अपने लिए 2 पनीर और प्याज के पराठे, साथ में चाय है, चटनी है, यही आज मेरा लंच है, यही खाऊंगी मैं। अभी छवि तो आज अपनी नानी के घर चली गई है, मैं अकेली हूँ और मैं करती हूँ अपना लंच। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। मैंने इसको ना ऑयल नहीं लगाया क्योंकि मेरे को हो रही है थोड़ी खांसी सर्दी, मतलब सर्दी खांसी हो रखी है, तो इसलिए मैंने ऊपर से बटर लगा लिया, लेकिन इसके ऑयल लगाया नहीं है, उसमें सेखा नहीं है मतलब इसको। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए।
2000 years later. शाम का समय हो चुका है, मम्मी सो गई थी, उसके बाद अब मम्मी उठ चुकी है और मम्मी कर रही है यहाँ पे शाम की पूजा। पूजा करने के बाद उन लोगों ने पी है चाय और खुशी भी घर आ गई है। तो चलिए दोस्तों, शाम का समय है, चाय वगैरह हमने ले लिया, खुशी भी ऑफिस से आ गई थी, हम दोनों ने चाय पी ली है और साथ में ब्रेड ले लिए थे और पूजा भी मैंने कर ली है क्योंकि छवि गई है नानी के घर, उसको नानी की याद आ रही थी तो वो चली गई है, कल आएगी वो। और मैंने सब्जी की कुछ तैयारी कर ली है, ये देखिए प्याज वगैरह सब काट लिया क्योंकि दोस्तों बैठ के काम कर रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए खड़े होके थोड़ा कमी कर रही हूँ। और ये मटर भी धो के रख लिए हैं, आलू टमाटर सब तैयारी हो गई है, आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों करते हैं काम शुरू। अब मम्मी ने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, तेल गर्म हो रहा है इतने फिर मम्मी ने डाल दिए सारे खड़े मसाले और जीरा, फिर डाल दिया मम्मी ने हींग और डाल दिया अदरक हरी मिर्च और लहसुन, फिर इन्हें अच्छे से भून लेंगे मिक्स करने के बाद। और देखिए उसमें हमने डाल दिए है प्याज, प्याज को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ मम्मी ने ले लिया कटोरी, उसमें डाल दिए हैं सारे बेसिक से मसाले और फिर उसमें पानी डाल के एक घोल बना के फिर मम्मी उसे डाल देंगी प्याज जो हमारी भून रही है उनमें। से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उन्हें भी हम पका लेंगे। देखिए कैसे कलर आ गया है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसे ढक के पका लेंगे थोड़ी देर तक। देखिए कैसे तेल ऊपर आ गया, अब इसमें डाल देंगे मटर और आलू डाल के हम इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे भी हम थोड़ी देर पका लेंगे ढककर। देखिए अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी और फिर इसे थोड़ी देर तक उबाल लेंगे। हमारे आलू मटर भी उबल गए, अब इसमें डाल दिया हमने गरम मसाला और हरा धनिया, फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। और ये देखिए हमारी प्यारी टुक टुक आ गई है हमसे मिलने, हेलो करो। ये क्या कर रही है? अब आपने कौन सी पोयम सीखी? ये तो आपने सुना दी, कोई और नहीं सीखी? वो वाली आती है मछली जल की रानी है, सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। वाओ, अब वो वाली सुनाओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वो नहीं आती? ओहो, देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है, अब हम इसे हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। और देखिए कैसे अच्छी बनी है हमारी सब्जी, अब हम यहाँ पे बना लेंगे रोटी।
मेरी मम्मी खाना बना रही है, ये यहाँ पे लगा रही है कपड़े। मैं नहीं थी तो इसी ने तय करके कपड़े लगा लिए थे। कैसी बनी मटर मटर की सब्जी, आलू मटर की? नमक कम है, ऐसा ही है। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया। आज हमने खाने में बनाई थी आलू मटर की सब्जी, और तबीयत तो मेरी ढीली सी ही है, चलो कोई बात नहीं। और मम्मी ने लस्सी भेज दी थी मनीषा के ऑफिस में, और मनीषा अपने ऑफिस से ले आई है, खुशी ने उसको पिकअप कर लिया है और लस्सी आ गई है। खुशी ने तो पी भी ली है, मनीषा का मन नहीं है अभी पीने का, तो इसलिए बच्चों ने खाना खा लिया है। छवि अपनी नानी के घर है ही, और मैंने भी अपना खाना खा लिया है। दोस्तों इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।